हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है नहाए खाए। आप लोगों को सबको पता ही होगा, जितने भी बिहार के हैं, मिथिलांचल के हैं, कि जितिया है कल। तो वैसे तो आज और कल दोनों था, बट मैं और हम लोग जो कर रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे दिल्ली के साइड के लोग हैं, यूपी साइड के लोग हैं, वो कर रहे हैं कल 25 को। तो आज नहाए खाए किया है मैंने। वैसे तो पूरे दिन मैं बताऊँ आपको, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। आज बहुत सोई हूँ, अच्छे से नींद पूरी की है दिन में, सभी सो गए थे समझ लीजिए, और मन नहीं कुछ कर रहा था करने का। मगर जो चीज़ें रस्म होती है ना, वो मजबूरी में भी और आपका मन ना हो तभी भी आपको करना ही पड़ता है। जो रस्में होती हैं वो हमें दुख को भुलाने का और जो विधि व्यवहार है वो उनमें उलझा देते हैं। रस्मों में हम उलझ जाते हैं और हमारा दुख कम हो जाता है, भूल जाते हैं हम उस चक्कर में। त्यौहार इसीलिए है कि आपके लाइफ में, सबके लाइफ में सुख दुख चलता रहता है, मगर फेस्टिवल आता है तो थोड़े दिनों के लिए वो भूल जाते हैं और फिर फेस्टिवल में इंजॉय करने लगते हैं, फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं। तो वैसे ही जितिया है तो बच्चों के लिए करते हैं जितिया, और मम्मी ने यही कहा है कि हमेशा आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, फिर भी ये था कि थोड़ा सा मम्मी की याद आई रही थी पूरे दिन, मगर करना तो है ही, है ना। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कल कथा सुनूंगी, देखते हैं ऑनलाइन ही सुन लूँगी, कहीं जाने का मेरा मन नहीं है किसी के यहाँ भी। वैसे एक दो जने का कॉल भी आया था कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ पे कथा साथ में सुनेंगे, तो नहीं, ऑनलाइन सुन लूँगी, मम्मी के पास ही बैठ के सुनूँगी। और तो फिर उसके लिए ना बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, दाला के लिए सारा सामान लाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ, रात हो गई है, बल्कि समझ लीजिए आप एकदम अभी याद आया थोड़ी देर पहले कि बड़ी वाली मामी ने याद दिलाया कि दीदी कुछ तो ले लेते ना, फ्रूट्स वगैरह तो वैसे भी घर में है ही, मगर कुछ कुछ चीज़ें अपनी होती है, करनी होती है, बच्चों के नाम से, और डाला भरना होता है, उसके बाद कहानी सुननी होती है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने ना मदर इन लॉ होने की वजह से पितराइन भी नहीं खिलाया। मम्मी अभी हैं, सासू माँ हैं, तो पितराइन नहीं खिलाऊँगी मैं, और मम्मी के नाम से इस पर खिलाया नहीं जाएगा। तो और मेरे को भी कहीं कहीं से बोल रहे थे आओ आप पितराइन खाने के लिए, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा मन कहीं भी नहीं है जाने का। इसीलिए मन को बना के और कहते हैं संभाल के अपने आप को, थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें लेंगे, कहीं कहीं काम भी है तो वो सब निपटाने के लिए जा रही हूँ। तो चलते हैं अब मार्केट, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या होता है मार्केट में हमारे। चलते हैं मार्केट, बहुत सारा काम है, कुछ कुछ चीज़ें लेंगे, डाला ले लेंगे, और श्रृंगार का सामान होता है, डोरा डोइर होता है, डोरा डोइर तो घर में है, मैं यहीं से ले लूँगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं मामी को याद है, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है, नारियल होता है, वो सब चीज़ें लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वही है ना, इतना दुख हो रहा था पूरे दिन, मगर भूल लाना पड़ता है, भूल जाते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले मार्केट, और जा रहे हैं हम दोनों। तो और मामी जी ने ये दो दिन से सूट पहन रखा है, कल भी पहन ली थी और आज भी, कह रही है ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, मार्केट निकलने के लिए मैंने डाल, तो मतलब मम्मी को नहीं देखता है कि क्या पहनती है मम्मी क्या नहीं, ये ऐसे आजकल के बच्चे हैं। हुआ क्या कि मार्केट के लिए पहन लिया है, हाँ, थोड़ी देर के लिए जाना है तो, और घर में पहना था तो इसने शाम को कल निकाल दिया था। हाँ, जल्दी हल्का रंग गया ना तो उसको थोड़ा बचा के चलेंगे। चलो पहुंच गए थे हम लोग मार्केट, और यहाँ पे सबसे पहले तो डाला लेने का काम होता है। यहाँ डाला मैंने मीडियम साइज वाला लिया, ये वाला जो हाथ में है वो नहीं लिया है, बगल में जो रखा है बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा वो लिया है, क्योंकि हर चीज़ उसमें आनी भी चाहिए। छोटा लेंगे तो सब कुछ नहीं आएगा, और सबसे बड़ा लेंगे तो वो फिर थोड़ा सा ना कमज़ोर सा था, इस वजह से एक डलिया लिया, नारियल लिया, मेहंदी ली, यहाँ से डांडिया का रेट पूछा क्योंकि यहाँ पे डांडिया बहुत ही सही था, 40 रुपीज़ के और 50 के ही डांडिया मिल रहे थे यहाँ पे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बट मुझे लगा कि ये प्लास्टिक है और छोटा वाला था, मुझे लग रहा था कुहू के लिए ले लूँ,
बट अभी नहीं लिया कि अब तक साक्षी उधर ले ले या ले चुकी होगी, क्योंकि वो भी ना पहले ही खरीद के ले आती है, और इसीलिए मैंने ये नहीं लिया, बट ये 40 रुपीज़ का ही था तो डांडिया नहीं लिया। उसके बाद यहीं से मैंने जीतिया का धागा जो होता है वो भी ले लिया था, 10-10 रुपीज़ के जीतिया के धागा मिल रहा था और सबके लिए फिर मैंने ले लिया। दूसरा ये कि फ्रूट्स लेने के लिए मन नहीं हो रहा था आगे जाने का, बगल में फ्रूट्स था तो वहाँ से फ्रूट भी ले लिए, और इतनी गंदगी थी मैं क्या ही बताऊँ। ये देख रहे हैं आप, मैं इशारे कर रही हूँ, यानी धूल ही धूल हो रखा है। और यहाँ पर आ गए हैं मार्केट से, आते ही देखिए चाय पी है, और मैं आपको बताऊँ वॉइस ओवर करूँगी वहाँ पे भी जहाँ पे हम लोग रोड पे शूट कर रहे थे। पहले तो इतना अच्छा लगता था, अब तो पता नहीं नाला साफ किया है, नाले का कचरा ये वहीं पड़ा है, और पूरे शालीमार गार्डन में इतनी गंदी हालत हो रखी है कि हम कह रहे थे पता नहीं पापा कैसे आते हैं डेली इसी रास्ते में, है ना, क्योंकि शिव चौक ना बंद हो रखा है, वहाँ नाला बन रहा है, कुछ ऊंचा करके बनाएंगे या क्या हो रहा है पता नहीं, खोद रखा है तो 1 महीने से बंद है ये। और पापा घूम के आते हैं जिस रास्ते हम लोग गए थे अभी, इतना गंदा हो रखा है कि क्या ही बताऊँ मैं, कैसे लोग रहेंगे, कैसे सांस लेंगे हम भागे। मैंने इसको कहा तुम खा लो गोलगप्पे, मैं तो नहीं खाऊंगी आज, तो इसने भी नहीं खाया, और घर में किसी के लिए कुछ भी नहीं लाए। इतनी मजबूरी कई बार हो जाती है ना कि सोच के भी गंदगी कितना, ऐसी गंदगी थी वहाँ, और लोग जल्दी से भागे, यहाँ जल्दी से भागे, सच में तो सच में हम भाग के आ ही गए, गए आधे घंटे में वापस आ गए। नहीं तो दीदी महीनों से इतना बड़ा बड़ा ढेर पड़ा है नाले का, कोई है ही नहीं कंप्लेन, कोई है नहीं, और एक ही बंदा ये कर सकता था, वो मैं, मेरे यानी आप लोगों के अंकल जी, अगर वो आ जाए ना तेल का ही मचा देंगे, इधर चले जाएंगे थाने, GDA ऑफिस अब जा जा के कंप्लेन कर करके इतना पगलाएंगे ना अधिकारी लोगों को, नीचे वाले ने सुना अंदर जाके ये करके वो करके कि दिमाग खराब हो जाए, वो भी कहे बेचारा चल तू ज्यादा मत आ, चल तेरी समस्या हम हल कर, तो ये हो जाता है, बाकी किसी काम के पीछे वो काम होके ही मानता है, तो ये ऐसे है। आज नहाए खाए है तो ये सब खा रहे हैं भुज्जा, मैंने कहा मुझे मत दे देना भुज्जा। वैसे तो नहाए खाए में बिहार में तो खा लेती, पर मरुआ भी चलता है और भी बहुत कुछ चलता है, खाते हैं, मगर हम लोगों ने बहुत टाइम से अवॉइड कर किया हुआ है, पता ही होगा सबको नहाए खाए भी कितने, थाली का शेयर किया हुआ है, तो हम लोगों ने नहीं खाते होंगे, मगर हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि इतना भारी व्रत है और इसको कैसे अशुद्ध चीजें खा लें, है ना, मरुआ भी अशुद्ध ही माना जाता है, तो चाय पी रहे हैं, और इसके बाद मामी बनाएंगी पकौड़े, दाल चावल है तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नहाए खाए में क्या होता है, सुबह आपको नेल काट के और सर से नहाना होता है और शुद्ध चीज़ें खानी होती है, बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, तो यहाँ सुबह तो मैंने खा ही लिया था, दाल चावल सुबह भी बना था और अभी भी मामी ने दाल चावल ही बनाया, क्योंकि हमारा फास्ट होगा कल, मेरा फास्ट होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं चावल दाल ही खाओ, दिन में भी पकौड़े बने थे और अभी भी, तो वही होता है ना कि एक बार कढ़ाई चढ़ गई तो भाई सब बन ही रहा है, और ये बनी थी जिमनी की सब्जी लंबी लंबी, और ग्रेवी वाली इसलिए बनी थी कि कुछ लोग रोटी भी खाएंगे, तो जिमनी को ऐसे भुजिया की तरह काट के और इसको फ्राई कर लिया था अच्छे से नमक डाल के, और मसाला अलग से प्रिपेयर किया था, टमाटर मखाना और मेरे ख्याल से अदरक मिर्ची का ही पेस्ट होगा, और ये सब मसाला बना के उसमें जिमनी डाल दिया था। ये है मेरे दिन की थाली जिसमें केले की सब्जी, करेला और दाल थी और पकौड़े थे और चावल तो है ही, अब देख रहे हैं ये दिन की थाली थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी अभी की थाली नहीं आई है, ये है अभी की थाली, हाँ ये अभी की थाली है, दिन की सब्जी भी है इसमें थोड़ी सी और जिमनी की सब्जी भी है, बाकी सब रोटी खा रहे थे और मैं यहाँ पे खा रही हूँ चावल। यहाँ पर खाना पीना हो गया है मेरा डन, तो थोड़ा सा जा रही हूँ वॉक के लिए, करीब 20 से 25 मिनट टहलूंगी। बहुत गर्मी थी और आ गई थी मैं वापस, आप पसीना तो देख ही रहे होंगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे लिए प्रे करिए कि मेरा जितिया का व्रत अच्छे से हो जाए, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।